ओके तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ करना सिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं गाइस सबको वन क्लिक में अपने फेस को रिटच करना भी सिखाऊंगा एंड कुछ इस टाइप से अपने फोटो को एडिट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल फोटो देख सकते हो जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है, बट हमने इसको एडिट करके इतना अच्छा बना लिया कि जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा औसम है। यहाँ पे एक बार फोटो आप देख लो कैसा हमारा फोटो एडिट हुआ। ठीक है, सो अगर आपको भी सेम टू सेम इसी तरीके से एडिट करना सीखना है तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक जरूर वॉच करना। छोटा सा वीडियो ध्यान लगा के देख लेना, आपको सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और हाँ गाइस, काफी टाइम से हमारे चैनल पे ना वीडियो सही टाइम पे नहीं आ रही है क्योंकि अभी मेरी एग्जाम चल रही है, तो कुछ टाइम आप रुक जाओ। 28 तारीख के बाद रेगुलर अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको लाके दूंगा, बट आप अपना सपोर्ट बना के रखना बस। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना फुल सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे फोटो को स्मूथ करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करके अपने फोटो की डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। तो यहाँ से हम लेयर पे आ जाते हैं एंड लेयर पे क्लिक करके अपने फोटो की डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको पेक आ जाना होगा और यहाँ से आपको टूल्स पर आपको यह वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना, सॉफ्ट राउंड स्मूथ ब्रश। अब इसकी साइज आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इसके फ्लो को रखना को 4% एंड इसकी स्ट्रेन को रखना को आपको 6%। ठीक है, और इसके बाद क्लोज करके फोटो को जूम करना एंड ये बिंदी पे टैप करके आपको साइज का एडजस्टमेंट कर लेना होगा इस तरीके से, और इस तरीके से राउंड राउंड करके आपको ब्रश को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और हाँ गाइस, जितने अच्छे से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना उतना परफेक्ट आपका यहाँ पे फेस स्मूथ होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से राउंड राउंड करके आपको ब्रश को अच्छे से अप्लाई करना है कुछ इस टाइप से, और आपको साइज़ का एडजस्टमेंट भी अपने फोटो के साइज हिसाब से करते रहना कुछ इस तरीके, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से थोड़ा फेस को स्मूथ कर लेता हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान लगा के अपने फेस को स्मूथ करोगे ना तो आपका फेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर हमारी बातों बातों में हो चुका है फेस स्मूथ कंप्लीट। अब हमारी नाक रह गई, तो नाक पर भी हम अच्छे से अपने ब्रश को अप्लाई कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मैं एकदम बारीक से अप्लाई करो, तो आप भी एकदम बारीकी से अप्लाई करना ताकि आपका फेस परफेक्ट तरीके से स्मूथ हो जाए। सो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हो हमारा फेस परफेक्ट तरीके से स्मूथ हो चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। बट गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डार्क लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हमारे फेस पे आ रहा है। हमारा फेस तो स्मूथ हो गया बट इस पर जो कलर है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको वो कलर कैसे डालना है और रिटच कैसे करना है। तो सिंपली अपने फोटो को सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ से शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ से हम शेयर करके ओपन कर लेते हैं अपने लाइट रूम में। तो यहाँ से फोटो को शेयर करेंगे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से हम शेयर कर लेना लाइट रूम में। ठीक है, तो यहाँ से हम एलआर में ऐड कर लेते हैं अपने फोटो को। अब सिंपली ऐड करने के बाद सिंपली हमें ऊपर से नीचे आना होगा, जो नोटिफिकेशन आया होगा ना, एक सेकेंड, ये नोटिफिकेशन आ गया। आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सिंपली आपको अपने फोटो को लाइट रूम में ओपन कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक प्रीसेट भी है और हमारा जो एडिट करा फोटो हमने स्मूथ किया था वह भी हमारा फोटो यहाँ पे ऐड है। तो सिंपली फोटो को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्रीसेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। प्रीसेट का यूज़ करना आप सभी को आते ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसकी ना 3 डॉट पर क्लिक कर लेना होगा, इसकी सेटिंग्स को आपको कॉपी कर लेना होगा एंड इसके बाद आपको जो आपका ओरिजिनल फोटो है ना उस पर आके आपको इसको पेस्ट कर देना होगा जस्ट वन क्लिक में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगा जस्ट वन क्लिक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओसम लग रहा है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। 28 तारीख के बाद हमारे चैनल पर रेगुलर कॉन्टेंट आएगा।